गरंटी नाल तुहानू आदा ये जो सारिया चीज़ा कि ना इन्हों का तुम मेरे को जवाब च पुछो कि यार ठीक कि उस सारे को किस तरीके 18 ते 20 महीने झोटी बुल्लो का त्याग सी किस 20 महीने बण पो सी साड़ू तो सारी जान कि छुट सी दूध साढ़ा 16 लीटर तक कि पहुँच सी ये चीज़ा तो आ वो तो यकीन करो तुम सारे पीछे दौड़न की जरूरत कौन हो सी फिर सुबह शाम ही कॉल करो जनाब अज ये मसला हो गया अज जानवर जरा आकड़ा होया पा किसी लंघड़ा होया पा किसी तो जनाब वो बच्चे का मसला आ गया किसी का तन का इशू मसला बनया पा बेताशा चीज़ा होनी है। अगर इन चीज़ों में खुलासा समझाने से अगर गल करा तो अस आ गया जी एक मैनेजमेंटल इशूज हैं एक दूसरे जो महकमा लाइफ स्टाक में जुड़े हैं चाहे बीमारियों के मुतलक हैं या उन्होंने हिफाजती टीकों के मुतलक है इन्हें दो हिस्सों तकसीम करें बारे जो कोई बैठा कोई बेशक चेक करके ने किसी बंदे को लाकर पता करके ने 80% जो काम है ना वो है सारे जिम्मेदार न जुड़े हैं बाकी रहना 20% हूँ एक बच्चे परचा दिता वे एक सवाल 20 नंबर का एक 80 का 100 नंबर का परचा ही 20 नंबर वाला ठीक करा दा महकमा लाइफ स्टाक वाला काम 80 वाला उन्हें पता ही कौन है उक्त तो पास कौन आती थी ना सारी सूरत हाल ये मैं मने ना के सारिया कुताइया जरूर होनी उस वैक्सीन कोई लेट हो गई किसी आते रह गई उसी कोई छोटे मोटे बाकी गल हो गई उस लेकिन अगर पूरा ही करो यहाँ तो 80% जरा काम है जो तुम आते बैठो करेंदे बैठा तो करेंदे ठीक न हो बैठे हम पहली गल जानवर के चाहिए खुराक चाहिए इतने शौक अच्छा होती मैम ये समझना कि शायद तुम ज्यादा पता हो सी लेकिन अक्सर जाते उन्होंने खुराक का ये नहीं पता खुराक होंगी कई चीज असा माज ने कितनी खुराक देनी है दुध वाले जानवर ने कितनी खुराक देनी है गैड़ी कितनी देनी है जोटी ने कितनी देनी है छोटे फल के खुराक देनी जी बुनियादी चीज ही नहीं पता उस बाद के काम करना ये चीज़ हो गई इस तो बाद जुलम में होंगे खुराक के ना से खल के ना सा खल अगर सारी अल्लाह करे तो खल अच्छी मिल वे किसी मिल वाले की उसका पेवा ही ठीक हो बनाई ठीक हो मिलावट ही ना की पेवा हीट वाले ही ना हो खुराक बन गई अच्छी वो खल अच्छी बन गई तो जी खल बन रही है अस्पताल कपाह कट्ठी करके बुरा मिलाई वे जो दुख लिया जड़ी बड़ी घटिया किस्म की मकई उसी कुट के पाई उसी अगर वो खा ले तो जानवर जुलम पे करेंगे वो कवैसो हो सकता कोई जानवर मरी वैसे जहर की वजह तो अगर न मरसी तो अगे मसले जरूर आसे साड़ू वाला मसला आवे सी बच्चे दाणी मसला आवे से आवाज़ घट गए बच्चे दाणी बार कट्टी पे उसी अगर बनो सी दुध आ लिया तो दुध च मुशक आना शुरू हो दुध खराब होने शुरू हो गए दुध घटा ही वैसे तुम बैठे खुराक लेंदे खुराक ना लेंदे बैठे उसके चेता का ना खून ही मिले हुआ हर चीज मिली हुई मिलावट वाली चीज़ा इन मिली कल तो ये नहीं हो इस तरह जिस तरह हूँ अज सारे जानवर जी खुराक चाहिए ना ये अस माशाल्लाह रोटी खाने पूरा साल खाने ना ये कदम होया कि भाई हूँ इन्हें चीमने दाने शाने को ना रोटी नहीं खाने चावल ही खसा ये किस्सा ना सारी खुराक सारा हिस्सा अस चलते बैठे जानवर जी पहले अस आते ना पट्ठे की जी खुराक है ये हूँ चाहिए अपने वजन मुताबिक 10% सर्दियों से मैं मन कहना तो सब मन के हिसाब से जानवर उसकी जरूरत के मुताबिक पट्ठे पहनते उस फरवरी माह जल्द सारा बरसीम बड़ा अच्छा होता अजकल के सूरत हाल अजकल तो पट्ठे ही कौन है मण तो मिलता पा 280 रुपये थोड़े तो अपने चाहे सस्ता होंगे उसी हूँ मैं अपने जानवर का 280 वाला मण पाना तो मेरे वास्तव तो बड़ा मसला उसी 4-5 जंगा रखे हुए माल रखे हुआ तो मेरे वास्तव तो वैसे पूरे करना कि थोड़े पट्ठे गिन के कुतरी करके जनाब जी तूड़ी पे मिला के कुलिया तो बाद बड़े मुतमैन हो सी जानवर पूरी खुराक पूरे पट्ठे पा दिते गए
ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਹਾਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਚਾਹਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬੱਕਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲਾਂ ਦੇ ਚ ਬਾਗ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗ ਹੀ ਐਸੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਟੇ ਦੇ ਬਾਗ ਤਲ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਲਾਕ ਲਾ ਰਹੇ ਚੌਕ ਆਏ ਮਨਕੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰੋ ਅੰਧੇਰੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਆਂਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਚੌਕ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੋ ਗੋਦਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰ ਫੇਰੀ ਬੈਠਾ ਗਲੂਕੋਟ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਰੀ ਬੈਠਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਖਾਸ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਬਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਇਲੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਇਲੇਜ ਬਣਾਓ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਮਕਈ ਲਾਓ ਉਹਦੀ ਸਾਇਲੇਜ ਬਣਾਓ ਚਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬਣਾਓ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ